भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बीदर की ओर से बीदर की महिलाओं ने शहर के पापनाश कमान से चिल्ड्रन सर्कल तक एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली का उद्देश्य यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में तरक्की करने के लिए विभिन्न योजनाएं लाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया है और आगामी लोकसभा चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार लाने की इच्छा करते हुए यह बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर लुमिनी गौतम, शकुंतला बलदाले, योगेश्वरी सोनकमले, महानंदा पाटिल, हेमा रेड्डी, संगीता अड़की और कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला मोर्चा की महिलाओं ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने सारे महिलाओं ने मिलकर आज हम बाइक रैली कर रहे हैं। बाइक रैली करने का ये वजह है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे योजना करे, क्योंकि महिला अपने पैर पे खड़े होकर वो राज्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, वो बिजनेस में हो, वो एजुकेशन में हो, हर एक में महिलाओं को आज 50% रिजर्वेशन तक आज महिलाओं के लिए बिल पास किया। सो हमारे एक एक जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है, उनको अभी नेक्स्ट टाइम देश का फिर एक बार मोदी सरकार बनने के लिए हमारे बीदर जिले से सारे महिला मोर्चाओं ने एक बाइक रैली की और से हम उनको मोदी जी को एक शुभ संकेत करने के लिए हम आज बाइक रैली करना चाह रहे हैं और हमारा बाइक रैली यशस्वी होना बोलकर मैं ऐसा चाहती हूँ। मैडम, मकसद क्या है बाइक रैली करने का? बाइक रैली मकसद करने का ये है कि मोदी जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ करे, क्योंकि आज एक शौचालय पूरा भारत देश में बहुत बड़ा आंदोलन करे, शौचालय मुद्रा योजना करे, आयुष्मान भारत करे, सुकन्या समृद्धि योजना करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेल बेटी खेल, ऐसा बहुत स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब अभी रिसेंटली आ गए, विश्वकर्मा योजना, ये सब महिलाओं के लिए क्या है मोदी जी ने कर दिए। आज हम कौन है मोदी जी को मालूम नहीं है, फिर भी सारे देश के महिलाओं के लिए आज क्या है बोले तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक क्या है उनको हिम्मत देने की काम करे। तो हम मोदी जी के लिए एक बाइक रैली के तौर से हम उनको शुभ संकेत देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में फिर एक बार मोदी सरकार। अब मैडम बोले अपोजिशन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करी बोलती है, अब स्टेट गवर्नमेंट 2000 रुपए डाल रही है मैडम महिलाओं के लिए डाल रहे हैं सब अभी नहीं देखो ना, स्टेट गवर्नमेंट ने 2000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना पे डाल रहे हैं, कांग्रेस के लिए डाल रहे हैं। मैं बोलती हूँ भैया, चावल हमारा आ रहा है सर, चावल ऑब्जेक्शन कर रहे ना, हम केंद्र का चावल है वो कर रहे ना, चावल है नरेंद्र मोदी का सरकार का केंद्र सरकार का, हम जाके करेंगे, हम सारे महिला मोर्चा जाके इसके लिए हम वो प्रॉब्लम के लिए हम अपोजिशन करेंगे। देखो अभी विश्वकर्मा योजना आया, हमारे मोदी सरकार ने कितनी ईजी से हम विश्वकर्मा योजना करे, 4 दिन का ट्रेनिंग करे, उनको 15,000 का किट दे रहे, उनको एक पैर पे खड़ा होने के लिए मशीन दे रहे, देखो इतना अच्छा योजना करें, अब बस फ्री करके महिलाओं को हिम्मत नहीं दे रहे, उल्टा महिलाओं का नुकसान करने का काम ये क्या है सिद्धरामैया और कांग्रेस सरकार ने किए हैं। सौ बात बोलने का हमको बहुत मेले को बहुत सपोर्ट दे रही मोदी जी, हमको मोदी को कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं। मेले का 23 है से बहुत 33 है क्या है, हमारे को मेले को मिसलत दी है और मेले को शक्ति हमारे को बहुत बढ़ा रहे मोदी जी, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।